नौजवान है, मुसअब बिन उमैर को घर से निकाल दिया चचा ने और बराबर करके निकाला है कमबख्त ने, इसलिए कि बाप मर गया था, बहुत दौलत छोड़ गया था, मां ने बड़े नाज़ो नाम में पाला था। कहते दो 200 दिरहम का जोड़ा उसका बनकर आता था शाम से, जैसे कभी हम कहते थे कि पंडित नेहरू के कपड़े जो है पेरिस से सिलकर आते हैं, और जहां से गुजर जाता था मुसअब, कितना उसने लगाया होता था इतर के पूरी गली जो है वो खुशबू से जो है भर जाती थी। चचा ने बुलाया, तुम तो ये गुलछर्रे कर रहे हो अपने बाप की दौलत पर ना, और तुम उसे कहते हो काफिर, निकल जाओ घर से। वो चलने लगे, ये बात टीनेजर, चलने लगे। वो समझा था कि मेरे ये कहने से इसके तो उसको तारे नजर आ जाएंगे, ये फौरन जो है तौबा करेगा, पलट आएगा। चलने लगे तो उसे और गुस्सा आया, ये कपड़े भी उसी बाप के हैं, उतारो। वही उतारे कपड़े, मादरजात बराना होकर मां के पास गए। मां ने आंखों पर हाथ रखा, मुसअब क्या हुआ है? फरमाया, अम्मी मैं मुवहिद हो गया हूं, यह है तौहीद, और अब जाकर हुजूर के दामन में बैत अरकम में, अब हमारा वक्त कारगुन है, कुरान उतर रहा है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कुरान उतर रहा है, याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और उसके बाद जब कहा था मदीने वालों ने बैत अकबा उला पर कि हुजूर हमारे से आपकी मुलाकात तो साहब के बाद ही होगी, दरमियान में तो आपको मालूम है खूनेजी है, कोई काफिला बच के नहीं आ सकता, तो अब आप हमें कोई अपना शागिर्द दीजिए। मुसअब बिन उमैर को हुजूर ने कहा जाओ उनके साथ। वहां उनका नाम पड़ गया अल-मुकरी, पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला। 75 आदमी अगले साल लेकर आ गया है, और उसी से बैत अकबा सानिया हुई है, और हिजरत का रास्ता खुल गया। और उसको एक दफा हुजूर ने देखा मस्जिद के दरवाजे के सामने से गुजर रहा था, मुसअब फटा हुआ कंबल था जिसमें पहले बेटा हुआ था। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ग़ज़वा उहद में शहीद हुआ किस तरह, अलम बरदार था, एक हाथ पर पार पड़ा है कट के गिर गया, एक हाथ से थामा, दूसरे पर भी गिर गया, दोनों जो बचे हुए हिस्से थे उससे थामा। फिर जब खत्म हो गए, उसके बाद जो है जब दफन कर रहे थे तो हुजूर के सामने प्रॉब्लम लाया गया। मुसअब के जिस्म पर तो कोई कपड़ा ही नहीं था सिवा एक चादर की, एक धोती, अल्लाह अल्लाह खैर, और शहीद का कफन होता है उसका अपना लिबास। हुजूर वो इतना छोटी है वो चादर के पांव ढांपते हैं तो सर खुल जाता है, सर ढांपते हैं तो पांव खुल जाते हैं। फरमाया सर को ढांप दो कपड़े से और पैरों पर घास डाल दो। दैट वाज द लास्ट ड्रेस विच मुसअब गॉट। तो ये लोग जो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु, ये साथी हुजूर के जिन्होंने हुजूर के मिशन में आपका साथ